लेकिन मैं बात के लिए कहता हूँ कि हामिद साहब ने अगर इस मामले को तय किया और ये कहेंगे तो इंशाल्लाह ताला इस मसले को हम भरपूर तरीके से टेकअप करेंगे, धमाकेदारों के साथ भी टेकअप करेंगे, अदालतों में जाना पड़ा वहां भी जाएंगे और इंशाल्लाह ताला अगर ये मामला चलता रहा तो जिस तरह मलिक रियाज साहब घड़ी घड़ी चलकर यहाँ पर आते हैं और बड़ी हद तक वहां पर मामला हम लोगों के सेटल होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि मलिक रियाज साहब को भी ये पता है कि जमात इस्लामी से पाला पड़ा है और जमात इस्लामी किसी और वजह से मैदान में नहीं आए। उन्होंने जब यहाँ पर आए, मैं बड़ी अहम बात आपको बताऊं कि मलिक रियाज साहब जब यहाँ पर आए तो उन्होंने आकर कहा भी है कि आपका क्या ख्याल है कि और सियासी पार्टियां भी इससे रब्ता नहीं कर रही थी, सब सियासी पार्टियां भी इससे रब्ता कर रही हैं, लेकिन जमात इस्लामी ने जब इस जद्दोजहद को अपने हाथ में लिया तो मैं आपके पास चलकर आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी जद्दोजहद संजीदगी से है और आप इस मामले को लेकर जो खड़े हुए हैं उसके पीछे कोई और वजह मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज अगर आपको यहाँ पर दावत दी है, आज आपके साथ हम बैठे हैं, तो उसकी सिर्फ और सिफत यही है कि हमने इस बात को महसूस किया कि आपके साथ जो कुछ हो रहा है वो हमेशा से ज्यादती है और इंशाअल्लाह ताला ये ज्यादती है तो जमात इस्लामी कराची जो प्रोग्राम तय करेंगे उसको हम लेकर चलेंगे और उसको इंशाअल्लाह आखिर तक पहुंचाएंगे। लेकिन आपसे भी मेरी दरख्वास्त यह है कि आप ये ना कीजिएगा कि सुबह तुम्हारा खुदा जाके जाओ और हम जो घर जा रहे थे, तो जब भी आपकी जरूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि अगर इस जद्दोजहद की इज्तमाइयत